हेलो गाइस, तो फिर आज हम वापस से आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज हम जा रहे हैं, सभी दोस्त आज छुट्टी है इस कारण से जंगल में। देखते हैं जंगल में क्या प्लान बनता है। मच्छी पकड़ने का तो बन रहा है, लेकिन मच्छी मिलेगी तो मच्छी पकड़ेंगे या तो फिर क्रेप पकड़ेंगे। चार दोस्त आगे जा रहे हैं, बाकी तीन हम पीछे हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए जा रहे हैं। बाकी हमारा गाँव आपको पहले भी बताया था, तो भाई एक और खाते मिल गया हमको। तो वापस से निकल चुके हैं, हमारा एक छोटा दोस्त मिल गया था, उसको भी लेकर हम यहाँ से जाएंगे सीधे अब। तो बाकी देख सकते हो यहाँ पर शंकर भगवान घूम रहे हैं, ये रहे। तो यहाँ पे इधर से इधर की साइड जाओ तो यहाँ पे कठियावाड़ा ख़त्म हो जाता है, उधर से जाओ तो आपको बताया था मैंने कहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है। हम जाएंगे जंगल के अंदर, यहाँ से करीबन 4 या 5 किलोमीटर होगा। तो भाई देख सकते हो ये रोड अभी बना हो रही है, अभी खुद गया, बहुत खतरनाक खराबी तरीके से हमारे यहाँ का रास्ता बनाया था। हमारे यहाँ के फूल तो एक भी अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे टूटे ला, इसलिए आराम से आना कभी भी कठियावाड़ा हो तो। धीरे धीरे जहाँ भी फूल या दिख जाए उधर धीरे कर लेने का। बाकी यहाँ पे गणपति बाबा बिठाए हुए हैं, ये है इंगलावाट और अब आने वाला है सहेड़ा, अब आने वाला है सहेड़ा। बाकी छोटा भीम उधर है आंगनवाड़ी पे, आंगनवाड़ी पे। और पानी भी मौसम बना रहा है, जैसे कि उस दिन भी हम वीडियो बनाने गए थे उस दिन भी पानी आ ही गया था, धूप भी अच्छी निकली थी फिर भी। और देख सकते हो अब हम पहुंचने वाले हैं सहेड़ा। तो गाइस देख सकते हो हम आज पहुंच चुके हैं हम सहेड़ा पे, इस गांव का नाम है सहेड़ा। कठियावाड़ा से 2 किलोमीटर है। बाकी सामने पहाड़ों का व्यू देखो, नेचर के मज़े लो, एंजॉय करो। ओह नाइस। और ये घास काट के लिए आई है आंटी जी अपने डोगर बकरों के लिए। और ये कौन सा खिलाड़ी जा रहा है हमारे आगे, 33 नंबर की जर्सी पहने हुए। और ये मनीष, और यहाँ से हमको इधर मुड़ना है आमकोट रोड पर, यहाँ से 3 किलोमीटर होगा आगे और फिर हम पहुँच जाएंगे फाइनली उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हमको पहुँचना है, जंगलों के बीच। और ये आमकोट के है सब, और ये अग्नि वाला पौधा है इसको तो मैं जानता ही हूँ। और ये क्या बात, रास्ता
बोला था ना गाइस, हमारे यहाँ के पुलिया बवासीर है, काफ़ी ख़तरनाक ख़राब है। यहाँ आने से पहले सोचना पड़ेगा आपको। और ये थोड़ा सा पानी आता है और पुल के ऊपर से नदी चले जाती है, रास्ता बंद। इसलिए बारिश में ज़्यादातर इस रास्ते से ना आए, क्योंकि जंगल में भी छोटे छोटे पुल है और उनके ऊपर से भी पानी जाता है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं फाइनली, जंगल में एंटर होने वाले हैं। डेस्टिनेशन तो थोड़ी दूर है, लेकिन यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। 500 मीटर है करीबन यहाँ से, बाकी ये गांव है, एक बेज नाम है इस गांव का। हमको यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट, ये देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ का जंगल, जो काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ से 15-20 किलोमीटर चले जाओ, जंगल ही जंगल मिलेगा। पूरे रास्ते में जंगल आएगा, वो भी वह काफ़ी घना, जंगली जानवर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगर किस्मत में होगा तो हमें भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे धीरे ही चलना पड़ता है, ये देख सकते हो। अचानक से बाइक रोक दी और मैंने बचा ली गाड़ी, ऐसे तो रोक देता तो हम सब भाग लेते गांव वाले। और आप ये देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक घना जंगल है, और यहाँ हम घूमना है। पानी आ रहा है और वापस से मौसम बना रहा है पानी। गाइस यहाँ पर थोड़ी दूर पे एक पुल आता, वहाँ पे हर समय गिरते ही रहते लोग बाग। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं इस पुल पर, जो कि ये रहा, ऊपर से ही पानी जाता है यहाँ पर, और हम पानी में से गाड़ी निकालने वाले हैं। जान दो ऊपर ही, धीरे धीरे नहीं जाने दूंगा, गिर जाएंगे और आ जाएंगे अपन, इसलिए हम यहाँ नीचे से बाइक निकालते हैं। ये देख सकते हो इनका तो गाड़ी पत्थर पे से उधर जा रही। तो गाइस देख सकते हैं हमारी बाइक फंस गई थी यहाँ पर। सभी लोग यहाँ पे, जिन जिन को पता है यहाँ पे गिरते हैं, वो सब इधर से ही बाइक निकालते हैं, जिसको नहीं पता वो वहीं से निकालते हैं बाइक और गिर जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत भी पानी गिरे ना तो इस रास्ते से नहीं आने का, क्योंकि गिरते ही है ज़्यादातर यहाँ पे। बाकी ये गांव है नानी बार, कुसुम्बा नाम है इस गांव का, छोटा सा गांव है, गिनती के 20-25-30-40 घर होंगे। और यहाँ पे नया नया टावर भी लगा था, और जंगल में भी नेटवर्क आएंगे फुल, जंगली जानवर से बात करो एकदम मौज करो ये। बाकी यहाँ पे जंगल में गांव बसा हुआ है, देख सकते हो घना जंगल ही है पूरा। बाकी हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है हमारी डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम जाएंगे और मछली वगैरह पकड़ेंगे, केकड़े वगैरह। दो चार दिनों बाद ब्लॉग डालूँगा आज, और थोड़ा फोन फूट चुका है मेरा, इस कारण से ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। ये दूसरा फोन से बना रहा हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ।
बाकी जम सकते हो जंगल जंगल और वादिया नेचर, काफी खूबसूरत पहाड़ियाँ है, जंगली जानवर है, बंदर उंदर सब है इधर। पूरा पहाड़ चढ़ा दिया, देखा गाइस 2 मिनट नहीं लगने दिए यूरो की स्पीड में, वो भी आप मीटर देख ही सकते हो, ये तो गलती से 30 हो गया अचानक से। बाकी ये इस गांव का नाम है नानीपार, जो कि ये भी जंगल में ही बसा हुआ है। आज चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और काफ़ी घना जंगल है, इनको जंगली जानवरों की डर भी ज़्यादा रहती होगी, इसी कारण से रात में निकलते भी नहीं होंगे। बाकी देख सकते हो लाइट वगैरह का पूरा सिस्टम इधर बिठा रखा है। और यहाँ पर बारिश हो रही है काफ़ी तेज, तो नहीं कह सकते, थोड़ी थोड़ी हो रही है, पेड़ पौधों की बड़े बड़े झाड़ों की वजह से इतना मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि के बीच में से गाड़ी निकल रही है। आधा रास्ता गीला है आधा सूखा। हम पहुंच चुके हैं फाइनली एक लास्ट गांव में, जो कि जंगल को इस लास्ट गांव को पार कर कर ही आगे निकलाता है, जो कि ये नानी पार है। बाकी छोटा बच्चा नहा रहा है, इनको पर ठंडा ठंडा कुल कुल पानी से इतनी ठंड में भी। यहाँ से अब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा जहाँ हमको जाना है। बाकी जंगल तो काफ़ी खूबसूरत है, हरा भरा हो चुका है, बारिश के दिनों में काफ़ी सुंदर हो जाता है, और गर्मी के सीज़न में मोहड़े वाले इनमें आग लगा के काफ़ी बदसूरत कर देते हैं, ये पूरा जंगल जला देते हैं। और मैंने आग छोड़ दिया गाइस, और हम इधर गटर में जाते ही, गटर तो नहीं बोल सकते, इधर झाड़कों में गिरते तो हम पूरे छुंदा जाते, छुंदाते ही नहीं तो क्या होता, गिरते तो क्या होता, दूसरा नहीं पड़ते ज़्यादा से ज़्यादा जे यहाँ पकड़े तो आगे देख सकते हो 3 शेर है, लेपर्ड एक ब्लैक लेपर्ड जो बगीरा है, और बाकी कौन है बे, हटबे हट जा रस्ते पर खड़े ले, शर्म नहीं आती जरा से भी, आराम खोर। और यहाँ पर एक प्राचीन काल का पुराना मंदिर है यहाँ पे, जो चाटलेश्वर महादेव के नाम से हमारे गांव कटियाड़ा में फेमस है। बाकी जंगल देख सकते हो, अब अंधेरा अंधेरा भी लगने लग गया है यहाँ पर, टाइम करीबन 12:30 या 1 के बीच हो चुका होगा, फिर भी अंधेरा है यहाँ पे, इतना घना जंगल है, धूप आती नहीं जंगल में, फिर हम ही जाते हैं। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं गाइस हमारी डेस्टिनेशन पे, यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर होगी। आप देख सकते हो यहाँ से हमको बाइक उतारनी है नीचे, पानी गिर गया, कैमरा साफ कर देना, कैमरा बंद करो। हाँ, तो बाकी यहाँ पे तार पेंसिल करी हुई है, जंगली जानवर रोड पर ना आई करके, ये आधे तक करी है आधे तक टूटी है। कहाँ उतारी थी गाड़ी अपन ने, यहीं पे ने। तो भाई अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर जंगल की ओर, अंदर एंटर कर रहे हैं, पहुँच चुके हम फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पर। ये काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे, बाकी सब लकड़े वकड़े तो काफ़ी ज़्यादा टूटे के गिरे हुए हैं। आ चुके हैं हम यहाँ पे देख सकते हो, और आपको हम बताएंगे एक नदी जो कि जंगल में है।
यहाँ जाकर। तो ये रही नदी यहाँ पे, बाकी हमारे साथीदार ये है, तीन जने और चार जने और आ रहे हैं। और वहाँ पे उल्लू उड़ के गया है अभी, और पानी भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जा रहा है जंगल में, ये देख सकते हो कि पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कैमरे पे पानी लग चुका है साफ है, आप देख सकते हो अब साफ क्लियर दिख रहा है। ये नदी है, यहाँ पर हम मारेंगे केकड़े, बाकी ये देख सकते हो अभी हम हमारे साथी आ रहे हैं चार जने और उनका इंतज़ार करेंगे, बाकी ये यहाँ पर खड़े हैं। बाकी ये जंगल देख सकते हो काफ़ी घना है, ये पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ने का है यहाँ से। बाकी हम पिछली बार आए थे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आग लगी थी, बाकी आग लगी नहीं हमसे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद उनके आ जाने के बाद। यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, पीछे देख सकते हो बाकी दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम आज का प्लान यहीं पर कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ से अब निकल रहे हैं, ये पॉलिथीन है इसमें मोबाइल डालेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, बाय।